20 दुकान छोड़कर आपकी दुकान पर आएगा ग्राहक। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। अगर अभी आपकी दुकान नहीं चलती तो विश्वास रखिए, वो दिन दूर नहीं जब आपकी दुकान चलने लगेगी। जो भी उपाय, जो भी टोटके मैं आपको बताता हूँ, ये टोटके अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी दुकान को चलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी दुकान चले, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपकी दुकान चले, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना होगा। लेकिन अगर केवल आप टाइम पास के लिए इस एपिसोड को देख रहे हैं तो अभी इस एपिसोड को बंद कर दीजिए, क्योंकि टाइम पास वालों के लिए इस एपिसोड में देखने के लिए कुछ नहीं है। ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है जो ईमानदारी से, जो पूरी लगन से, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा से चाहते हैं कि उनकी दुकान की बिक्री बढ़ जाए। क्योंकि जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इतने शक्तिशाली उपाय हैं, इन उपायों को करते ही रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। आपकी दुकान चाहे गली में, मोड़ पर, नुक्कड़ पर, चाहे कहीं पर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपकी जो दुकान है मार्केट से बहुत दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहीं पर आपकी दुकान पर ग्राहक लाकर दिखाऊंगा, जो उपाय हम आपको बता रहे हैं। आपका एक कर्तव्य है कि जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन उपायों को आपने सच्चे मन से करना है। आगे माता रानी पे छोड़ दीजिए, आपकी सभी विशेष को पूरा करेगी। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को प्रणाम करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूं। साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे महाशक्तिशाली उपाय, जिनको अगर आप करेंगे आपकी दुकान ग्राहकों से भर जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपकी घर में सुख शांति हो, आपकी दुकान में बरकत हो, यही हमारी नारायण भगवान से प्रार्थना है। तो प्यारे साथियों, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के एपिसोड का सबसे पहला उपाय। प्यारे बंधुजनों, पवित्र स्थान जो हमारे तीर्थ हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये जो हमारे पवित्र नदियां हैं, या हमारे जो पवित्र तीर्थ हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, उन पवित्र स्थान की कहीं की भी आप मिट्टी अपने साथ लेकर आएं। जब आप वहां पर जाएं, वहां की मिट्टी अपने साथ ले आएं और इस मिट्टी को प्रतिदिन आपने अपनी दुकान में थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। लगातार 7 दिन, एक हफ्ते के 7 दिन पवित्र स्थान की मिट्टी अपनी पूरी दुकान में छिड़कनी है। 7वें दिन जितनी भी मिट्टी है उसका प्रयोग कर लीजिए, और अगर फिर भी मिट्टी बचती है, इस मिट्टी को आप जल प्रवाह कर दें। साथियों, अगला सप्ताह खत्म होने से पहले आपको दिख जाएगा कि आपकी दुकान की बिक्री कहां से कहां पहुंच रही है। पहला उपाय बताया है। मेरी आप सभी से विनती है कि एपिसोड अगर पसंद आएगा तो इसे शेयर भी जरूर करना है। अब
दूसरा उपाय, अगर आपकी दुकान बिल्कुल ठप पड़ी है तो आप यह उपाय जरूर करेंगे। शनिवार के दिन आपने सरसों का तेल और काले उड़द लेने हैं। सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर हाथ में काले उड़द लेकर प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, मेरी दुकान की बरकत में जो अड़चन है उसे आप दूर करें, जय हो। लगातार इस उपाय को 9 शनिवार करना है, शाम के टाइम ये उपाय करना है। जैसे ही 9 बार इस उपाय को आप संपन्न करेंगे, 1 सप्ताह के भीतर भीतर दुकान की बिक्री बढ़कर रहेगी, बिल्कुल 100% बढ़कर रहेगी। अब आज के सबसे शक्तिशाली उपाय को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तीसरा उपाय है और सिद्ध महापुरुषों का बताया हुआ यह उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी उपाय हम आपके लिए लेकर के आए उनको सच्चे मन से करें, रिजल्ट ज्यादा लेट नहीं, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से आपको मिलेंगे। तीसरा उपाय, दुकान किसी भी तरह से अगर आपकी ठप पड़ी है, चाहे किसी ने कुछ किया है, चाहे आपकी दुकान में बंधन का दोष है, चाहे आपकी दुकान को नजर लगी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी दुकान पर है तो इस उपाय को सच्चे मन से करना है। आपने बुधवार के दिन थोड़ा सा जो हरा दुर्वा होता है, हरा दुर्वा घास भी जिसको बोलते हैं, लेकर गणेश जी के मंदिर में जाना है और गणेश जी के चरणों में ये दुर्वा कि हे गणेश महाराज, मेरी दुकान शीघ्र अति शीघ्र चलने लग जाए, आप सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, बोलते हुए दुर्वा गणेश जी के चरणों में अर्पण कर देना है। लगातार आपने 5 बुधवार इस उपाय को रिपीट कर देना है। छठा बुधवार आने से पहले दुकान में ग्राहकों का मेला लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये एक और कार्य आपने बुधवार को ही करना है। बुधवार की शाम को आपने शिव मंदिर में जाना है शाम के टाइम, और वहां पर गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। ये भी 5 बुधवार ही करना है। दुर्वा सुबह उपाय करना है और ये दीपक वाला ये शाम को करना है। साथियों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और महा गुणवान उपाय मैंने आपको बताया है। आपकी दुकान कभी भी ठप नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद भोलेनाथ का आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं आज के अंतिम उपाय की। दुकान में अगर ग्राहक नहीं आते तो अपनी दुकान में हर सुबह गंगा जल का छींटा लगाना शुरू कर दें। लगातार 31 दिन दुकान में गंगा जल का छींटा लगाना है। 40 दिन पूरे होने से पहले पहले दुकान में ग्राहकों का तांता लगना शुरू हो जाएगा। मिलकर बोलेंगे जयकारा शेरों वाली का, बहुत साचे दरबार की जय।